एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और तुला लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके ग्रह गोचर से। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु 4 सितंबर को वक्रवस्था में आएंगे। मंगल कन्या राशि में पूरे ही महीने स्थित रहने वाले हैं। शुक्र कर्क राशि के अंदर पूरे ही महीने रहेंगे और बुध जो है वो सिंह राशि में पूरे ही महीने रहेंगे। तो इस महीने मुख्य गोचर सूर्य का और गुरु का वक्रवस्था में आना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र आपका पूरे ही महीने दशम भाव के अंदर है। लग्नेश का दशम भाव में जाना पूरे ही महीने, तो इस महीने जॉब के अंदर आपके पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। लग्न पर गुरु की दृष्टि संबंध जो है लग्न का, ये आपको बहुत ज्यादा फेमस भी बनाएगा। आपके आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आई थिंक सिलेक्शन के चांसेस इस महीने 100% है। जॉबलेस लोगों के लिए जॉब की परिस्थिति बनेगी। कार्यस्थल में बहुत वृद्धि है। जो लोग खाने पीने का व्यापार करते हैं, आईटी क्षेत्र में है, डिजाइनिंग क्षेत्र में है, उन सबके लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। और केतु की वजह से आप बाय लक ही आपको गाइडेंस प्राप्त होगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो मंगल है और मंगल 12th हाउस में है। देखिए, मंगल की अवस्था को देखते हुए आप सेविंग्स करना भी चाहेंगे तो भी आपके सेविंग्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के पीछे या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की वजह से भी आपकी सेविंग्स मुझे लगता है खर्च होगी। इस महीने खर्चे बहुत ज्यादा हावी रहेंगे। कुछ अपने खुद के कहते हैं ना, लग्जरी के पीछे भी एक्सपेंसेस होंगे, अपने कार्य को स्टेबलाइज करने के पीछे खर्च होंगे, मगर मुझे लगता है इस महीने खर्चों को नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि मंगल की अवस्था को देखते हुए और बाद में सूर्य भी यहां पर रहेंगे, तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर व्यक्ति को अनप्लैंड एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ता है। यहां वाणी, एक तरह से कहा जाए कि वाणी से ज्यादा भी लग्न का स्वामी दशम भाव में, और वाणी का स्वामी जो है वो 12th हाउस में है, तो लग्नेश की स्ट्रांग पोजीशन की वजह से वाणी संयम में रहेगी। आपके कार्यस्थल के अंदर, परिवार के अंदर आपको वाणी के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वहां आपको संयम बना के रखना पड़ेगा। फैमिली के अंदर कहीं पर भी क्लैश होते हैं, परिवार को लेकर थोड़ी सी मानसिक तनाव हो सकता है, और ये डेफिनेटली आपके लिए मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी फैमिली को लेकर, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी रहेगी। तृतीयेश जो है गुरु बनकर आपके सप्तम भाव में है, वक्र अवस्था के अंदर राहु के साथ आएंगे। देखिए, भाई बहनों के साथ अगर मिलकर आप कोई भी जॉइंट बिजनेस की बात की जाए तो वो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप का बिजनेस अवॉइड कीजिएगा, ये समय उसके लिए योग्य बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर ब्रदर सिस्टर रिलेशंस में मुझे लगता है तनाव बढ़ सकता है। गुरु की दृष्टि की वजह से एक बैलेंस डेफिनेटली बना रहेगा, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप कोई भी परिवर्तन है, कोई भी इनिशिएटिव है, जॉब का परिवर्तन है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप कहीं पर भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो वो आपके लिए फायदेकारक है। जॉब में बदलाव करते हैं तो वो आपके लिए फायदेकारक है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्देश पंचम भाव में वक्रवस्था में है। यहां पर शुक्र का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध चतुर्थ भाव में है। माता के साथ अगर कोई भी क्लैश थे तो वहां पर सुधार होगा। शुक्र के दृष्टि संबंध की वजह से मैं डेफिनेटली कहूंगी कि घर के रिनोवेशंस के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, घर के अंदर कुछ डेकोरेशंस के पीछे खर्च हो सकते हैं, आप व्हीकल खरीदने के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, मगर ये डेफिनेटली हर खर्च आपकी लग्जरी के पीछे होगा। और शुक्र के कारण जो लोग घर को
कहते हैं ना घर के पीछे एक्सपेंस करने में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, होम टाउन में भी कुछ अगर आपका घर है तो वहां पर भी रिनोवेशन करवा सकते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं। और मन के अंदर डेफिनेटली एक कहूंगी कि वक्री अवस्था है तो इंटेंस थिंकिंग की तरफ ये लेकर जाता है, मगर आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग रहेंगे। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं, फिफ्थ हाउस में शनि वक्र अवस्था में और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध शुरू के 17 दिन बच्चों के साथ आपके डेफिनेटली क्लैश रहेगा, विचारों में मतभेद रहेगा, बच्चों की लाइफ के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है, उनके जीवन में या उनकी एजुकेशन की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। जो लोग लॉ के प्रोफेशन में हैं या जो स्टूडेंट्स लॉ के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। जो एक तरह से कहा जाए कि बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या जो मेडिसिन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए अच्छा समय है शुरू के 17 दिन का समय। यहां पर शनि का जो वक्री भ्रमण है और शुक्र की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स में आपको काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, सिक्स्थ लॉर्ड गुरु बन के राहु के साथ है, यहां पर आई थिंक बिजनेस के लिए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन्स को आप अवॉइड कीजिएगा। शत्रु एक तरह से कहा जाए कि हावी नहीं हो पाएंगे, मगर गुरु की वक्र अवस्था की वजह से स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम, पत्नी का स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने। मुझे लगता है पति पत्नी यानी कि आप पति है तो पत्नी का, आप लाइफ पार्टनर का हेल्थ को लेकर आपको इस महीने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। और हो सके तो किसी भी प्रकार के शत्रु की तरफ आगे मत बढ़िए, ये एक ऐसा समय है कि डेफिनेटली मंगल के कारण शत्रु आप पर हावी हो नहीं पाएंगे, मगर मानसिक तनाव डेफिनेटली उनकी वजह से रहेगा। सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तमेश 12th हाउस में है तो यहाँ पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है तो इस महीने बहुत सतर्क रहना चाहिए, अपनी वाणी पर उस मामले में बहुत संयम बना के रखिएगा, क्योंकि जो भी डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं ये महीना उनके लिए काफी क्लैश से भरा हुआ है। और ऑलरेडी जो मैरिड हैं उनके जीवन में भी छोटे मोटे क्लैश बने रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर इस महीने है तो मैरिड लाइफ के अंदर बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है उस मामले में। ये गुरु राहु का जो सप्तम भाव में होना वो एक सस्पेक्टिव नेचर देता है, किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में क्लैशेस होते हैं तो इस प्रकार की सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। पार्टनरशिप को इस महीने अवॉइड करना है, सिंगल हैंडेड जो भी काम करते हैं उसमें सफलता है, जो मेडिसिन का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी सफलता है, जो लॉ के प्रोफेशन में है बहुत अच्छा है, फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे लाभ हैं, मगर पार्टनरशिप को आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो बहुत शांति बना के रखिएगा इस महीने। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश जो है वो आपके दशम भाव में है तो यहां पर जो भी रिसर्च ओरिएंटेड काम है, लिटरेचर का रिसर्च करना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड डिजाइनिंग का काम करते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनते हैं। तो आई थिंक फॉरेन लैंड से कनेक्टेड भी जो भी कार्य है वहां पर भी आपको बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश जो है वो लाभ स्थान में, तो फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं, पिता के साथ बिजनेस करते हैं तो बहुत फायदेकारक स्थिति है, भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है, लाभ की स्थिति कहूंगी मैं।
आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि है। केतु के लग्न में होने की वजह से एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंटरनली बहुत अच्छा होगा। टेंथ हाउस की बात करते हैं, टेंथ हाउस में शुक्र की अवस्था वो अष्टमेश होकर और आपका लग्नेश होकर है, तो ये महीना बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर का है, फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं, सुपीरियर्स के साथ भी आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। आप जो अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज भी है, तो कार्यस्थल में फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा है, जॉब के अंदर भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन अच्छी है, तो कार्यस्थल बहुत अच्छा बनता रहेगा। रिलेशंस में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, बाकी फाइनेंशियल गेन बराबर बने रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी बहुत अच्छे हैं आपको, जो भी आप एक तरह से कहा जाए कि जो शुक्र की पोजीशन को देखते हैं तो लग्नेश का दशम भाव में होना, तो ये एक व्यक्ति के लिए महीने के अंदर सबसे अच्छी पोजिशनिंग ये है शुक्र की। 11वें स्थान की बात करते हैं, तो शुरू के 17 दिन का समय सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको गवर्नमेंट में काफी आपका नाम होगा, और प्लस आप सुपीरियर्स के साथ भी काफी फेमस रहेंगे। यहां पर सूर्य बुध की वजह से बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी है, आपके सर्कल में बहुत बढ़ोतरी है, और ये डेफिनेटली जो लोग लॉ प्रोफेशन में है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए अंदर है उसमें भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड जो है बुध बनकर आपके 11वें स्थान में और सूर्य यहां पर आएंगे और मंगल यहां पर स्थित डेफिनेटली, और मंगल जो है वो आपके सप्तमेश हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी इस महीने, और इवन पति पत्नी के संबंधों में क्लैशेस हैं तो लीगल मैटर के अंदर बहुत ही शांति बना के रखना इस महीने, कहीं पर भी ईगो क्लैश में मत पड़िएगा, जितना पीसफुली हैंडल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो इस चीज का ध्यान रखना है। लीगल मैटर में बहुत स्ट्रांग होल्ड नहीं है अभी आपका, तो वहां पर आप शांति रखिए और खर्च पे नियंत्रण रखिएगा। फॉरेन लैंड्स के अंदर जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के इश्यू ना हो इस चीज का ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।